अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त लाहौर की सरजमीन पे मौजूद हूँ और इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। तो मैंने कहा तमाम मनाज़िर तो दिखाए हैं, शादी के बाद से लेके बिहाड़ी और लाहौर तक तमाम चीज़ें अपडेट किया अल्हम्दुलिल्लाह आपको। तो इस्लामाबाद के लिए भी हम आपको ना बताएं, इस्लामाबाद के लिए जा रहे हैं, इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुँचते हैं। बनीगाला में जुमा है, जुमात मुबारक पढ़ाना है वहाँ पर। तो बस ये है, वहाँ लामा साहब हैं, लामा एहसान साहब हमारे अजीज़ दोस्त हैं, बड़ी मोहब्बत है उनकी माशाल्लाह। तो वो मुंतज़िर है, तो इस्लामाबाद जाएंगे। पहले भी जाना हुआ है इस्लामाबाद, तो एक्सप्लोर किया था लेकिन उसे वही बात है फिर कवर नहीं कर सके। तो इस वक्त मुख्तसर वक्त में, वक्त क्योंकि बहुत कम होगा, मुख्तसर वक्त में जो भी देखा या जहाँ भी गए और जिससे भी मिले, तो फिर इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे और दिखाएंगे भी। लेकिन लाहौर का मौसम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है और हल्की हल्की सी यहाँ बारिश भी हुई है। तो वेदर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। अल्लाह ताला ये मौसमों की तब्दीली से हमें अपने ईमान में मज़ीद पुख्तगी की और अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देख कर अपने दिल में ईमान की मजबूती अता फरमाए, इंशाल्लाह फिर आपको अपडेट करते रहेंगे। जी जनाब, ये लाहौर का इस वक्त मौसम है और लाहौर की यहाँ पर हम मौजूद हैं, खूबसूरत मौसम हो रहा है बहुत माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जुमातुल मुबारक के लिए रेडी हैं, बस रवाना हो रहे हैं। अब आप मुंतज़िर हैं, बाकी के मनाज़िर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। जुमातुल मुबारक है तो जितना हो सके दुरूद पाक की कसरत कीजिए, दुआ में याद रखिए। जुमातुल मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम इस्लामाबाद की सरजमीन पर मौजूद हैं और जुमे के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारे नहायत ही मुशफिक व मेहरबान शफीक और बहुत मिलनसार मेज़बान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के साथ रवाना हैं। लामा एहसान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकुम अल्लाह। उम्मीद से बढ़ के ज़्यादा आप जो है वो मिलनसार हैं, बहुत मोहब्बत वाले हैं। अल्लाह आपकी शफ़क़त सलामत रखे। उवैस सिद्दीकी मौजूद हैं, सुनैद भाई मौजूद हैं। हम तमाम की तरफ से आपको जुम्मत मुबारक, दुरूद शरीफ की जितनी हो सके कसरत कीजिए। अस्सलाम। रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह हम बनीगाला पहुंच गए हैं जुम्मे के लिए। और देखें, कराची शहर अगरचे बहुत खूबसूरत है, अपने शहर की बात अलग होती है, लेकिन इस्लामाबाद आउटस्टैंडिंग, बहुत खूबसूरत और बहुत ही पुरसकून शहर है, इसका मज़ा अपना है। तो जब भी आए हैं इस्लामाबाद, जब जब आना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, दिली तौर पर बहुत ही अलग एक कैफियत और ख़ुशी, एक मुसर्रत, बहुत ही इत्मीनान हुआ है। तो इस्लामाबाद की फ़िज़ाएँ, सब कुछ सलामत रहे, बहुत खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बनीगाला पहुँच गए हैं जुमे के लिए, निकले थे और हमारे मेज़बान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, नामा एहसान साहब, बहुत मोहब्बत वाले मिलनसार हैं दोनों, अल्लाह ताला सलामत रखे। और भाई इस्लामाबाद का जो पुरसकून मॉल है ना, वो आउटस्टैंडिंग, दिल खुश हो जाता है। Mm-hmm.
वक्त हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं और कल हमारी रवानगी है। अल्लाह के फजल से पंजाब टूर हमारा मुकम्मल हो गया। जहाँ गए, जिससे भी मिले, उम्मीद से बढ़ के अल्लाह ने बहुत इज्जतें दी, बहुत मोहब्बतें दी और अभी तक पुरखलूस जज्बात का इजहार मैसेजेस के ज़रिए हो रहा है, कॉल्स आ रही हैं। तो बहुत मुखलिस और बहुत मोहब्बत करने वाले अहबाब मिले, तमाम का शुक्रिया अदा करते रहे हम गायबा गाय। लेकिन मेरे कुछ हम सफ़र थे जो यकीनन मैं व्लॉग्स में आपको बार बार दिखा रहा था और आपने देखा भी होगा, तो अब मसरूफियाँ शुरू हो जाएगी तो यकीनन टाइम नहीं मिल सकेगा व्लॉगिंग का। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं हुनैद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुनैद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब टूर हमारा मुकम्मल हो गया, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हमारा टूर सक्सेसफुली जो है वो पूरा हो गया है। देखिए मुफ्ती साहब, आपके साथ रहकर बिल्कुल हमने ये सीखा और प्रैक्टिकली भी देखा कि जब दीन के लिए आप निकलते हैं ना तो अल्लाह ताला खुद इज्जतें देता है। जहाँ भी गए, जैसे भी गए, लोगों ने बहुत इज्जतें दी, बहुत अपनाइयत ही लोगों में, पंजाब के लोगों में माशाल्लाह वैसे भी अपनाइयत होती है, और जहाँ भी गए लोगों ने हद से ज़्यादा आप जिसको कह सकते हैं इज्जतें दी हैं, और अल्लाह ताला कामयाब करे और इसी तरह दीन के लिए थोड़ा करते रहने की दौरे हमें तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती साहब साथ हैं जब तक, इंशाल्लाह हम लोग इसी तरह मिलजुल के रहेंगे और दीन के लिए काम करते रहेंगे। माशाल्लाह, ये आपके जज्बात हैं, अल्लाह पाक सलामत रखें। ये मोहब्बतें और ये अल्लाह की रज़ा के लिए जो हमारी दोस्तियाँ हैं, असल दोस्तियाँ यही हैं जो आखिरत में भी ज़रिया नहीं जाते। अब इन्हीं के साथ जो हमारे दूसरे और आखिरी पार्टनर हैं हम सफ़र, वो वे सिद्दीकी हैं। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मैं बस यही कहूँगा कि मुफ्ती साहब के तवस्सुत से हम दीन की वजह से आए, मतलब महफिल प्रोग्राम्स की वजह से, तो हमें बहुत आसानी और बहुत इज़्ज़तें मिली। हम तो इस लायक नहीं हैं, और जो हुनैद भाई कह रहे थे, लोगों ने हमारी बड़ी रिस्पेक्ट की, क्योंकि सिर्फ उलमा से मोहब्बत और इज़्ज़त की, मतलब इनकी रिस्पेक्ट की वजह से। और हम उम्मीद करते हैं, अभी तो हम मुफ्ती साहब के सिर्फ पंजाब के लिए आएँ, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अभी मुफ्ती साहब नेशनली तौर पर आएँ, इंटरनेशनली तौर पे भी इंशाल्लाह मुफ्ती साहब जाएंगे। अच्छा, एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि हम जहाँ गए उलमाए कराम भी थे और आम हम जैसे लोग भी थे, हम खुद आम लोग हैं, हम कोई उलमा नहीं है, कोई नहीं है, बस दीन के लिए हमने एक सफ़र किया है, तो उलमाए कराम भी थे, उन्होंने भी हमें इज़्ज़तें दी माशाल्लाह, उन्होंने भी बहुत दिल से लगाया, सीने से लगाया, आवाम से लोगों को उन्होंने भी बहुत इज़्ज़तें दी। अल्लाह ताला इसी तरह मोहब्बतें कायम रखे, और उलमा कराम का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से हमारे साथ रहे और बहुत अच्छा वक्त गुजारा। दरअसल ये दो अहबाब भी मेरे साथ हैं इस वक्त, लेकिन हमारा काफिला थोड़ा सा वसी है, और करीब तरीन अहबाब भी हैं लेकिन वो नहीं आ सके, कुछ मसरूफियत थी और कुछ और वजूहत भी थे जिनकी वजह से वे नहीं आ सके। लेकिन एक बात ज़रूर है, ये व्लॉगिंग है, ये कनेक्शन का एक बहुत अच्छा ज़रिया है, अफराद कनेक्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छे से एक्टिविटीज़ को वॉच करते हैं। समटाइम बयानात पे या इस्लामिक वीडियोस पे इतने व्यूज़ नहीं आ रहे होते जितना लोग पाबंदी से व्लॉग्स देख लेते हैं, तो वो व्लॉग्स के थ्रू अपना एक मैसेज कन्वे करना, आपको कनेक्ट करना खुद से, ये ट्रेंडिंग देखा जाए तो बहुत आसान है ईज़िली। तो इस वजह से अपनी तमाम एक्टिविटीज़ इस तरह दिखाई, और पंजाब के जो बयानात है अल्हम्दुलिल्लाह वो उस पर एडिटिंग होगी, वो मुकम्मल तौर पे शॉर्ट्स के लिए भी उसके अपलोड होंगे, कम्प्लीटली वो अपलोड होगा, तमाम बयानात इंशाल्लाह अपलोड होंगे, आपको मिलते रहेंगे। बस अपनी दुआओं में याद रखें, आप तमाम की मोहब्बतों का तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शेख साद सलीम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।